अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वेस रज़ा और आप देख रहे हैं मनो सलवा फूड। आज हम बना रहे हैं ग्वार की फली आलू। बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ग्वार की फली हमने ले ली थी 1 पाव, आलू ले लिए हमने 1 पाव, 2 टमाटर बड़े साइज़ के ले लिए हमने, 2 प्याज हमने ले ली और इसे हमने काट लिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, छोटी कटोरी ऑयल की लेंगे, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और इसे हमने काट लिया। चूल्हे पे हम पतीली रख देंगे, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा नरम करेंगे, इसको हम ब्राउन वगैरह नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और मिक्स कर लेंगे इसे। जीरा हमारा हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक, लहसुन अदरक को हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, 1 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक को भून लिया है। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, अब हम इसी के साथ मसाले डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, 1/2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च, 1/2 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1/2 चम्मच नमक। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मसालों को भून लिया हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे आलू के साथ। ये देखें माशाल्लाह, आलू हमारे 1 मिनट के लिए भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फली और इसे फिर हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च और मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसके अंदर हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसे हम ढक कर गला लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसे हमने 25 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। हमारे आलू भी गल चुके हैं, ग्वार की फली भी गल चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चिकन क्यूब और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम ढक कर रख देंगे ताकि हमारी ये चिकन क्यूब मेल्ट हो जाए और फिर इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ग्वार की फली आलू बनके तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। हमारे तरीके से भी बना के चेक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी तैयार हुई है। अगर आपको ग्वार की फली आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।